हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं? सब पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त बढ़िया चल रही है। तो देखो बच्चों, हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अगले वीडियो में आ गए हैं, और इस वीडियो में हम लोग ये दो नए फार्मूले ड्राइव करेंगे। एक कप्पा का ये फार्मूला, कप्पा का मतलब होता है कर्वेचर, टाओ का मतलब होता है टॉर्जन। ये दो फार्मूले हम लोग यहाँ पर बच्चों डिराइव करेंगे। लेकिन बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले पुराने वीडियोज़ को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब वीडियोस आपस में लिंक हैं। अगर आप पुराने वीडियो नहीं देखेंगे बच्चों, तो फिर ये वीडियो भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पुराने सारे वीडियो आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट पर जाइए, और उस प्लेलिस्ट में आपको पुराने सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पर कि कप्पा को कहते हैं कर्वेचर, मैंने बताया था, और टाओ को मतलब कहते हैं टॉर्जन। तो कप्पा और टाओ को हमें इन दो नए फॉर्म में लेकर के आना है, क्योंकि इससे हमें क्या होता है, कपा और टाओ को निकालने में बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आज हम इन दो फार्मूलों का डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान दो। सबसे पहले हम देखो, इन दो फार्मूलों का डेरिवेशन एक ही साथ चलता है करीब करीब, क्योंकि एक ही जैसे टर्म इसमें है। देखो ध्यान दो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आर डॉट क्या होता है। ठीक है, आर डॉट, ठीक है, कप्पा का मतलब क्या होता है, कर्वेचर, याद रखना। कप्पा का मतलब कर्वेचर, टाओ का मतलब क्या होता है, टॉर्जन। ये मैंने बताया था बेटा, पुराने वीडियोस देखिए, सब आपको सारी बातें अच्छे से मिलेंगी। ठीक है, देखो आर डॉट का मतलब क्या होता है, डी आर बाई डी टी होता है, ये हम जानते हैं। अच्छा, अब देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, डी आर, देखो आर क्या है, वेक्टर, आर क्या है, वेक्टर, ध्यान रखना, बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। और डी आर बाई डी एस को क्या लिखते हैं, आर डैश, और ये डी एस बाई डी टी। ठीक है, डी एस बाई डी टी को हम लोग एस डॉट लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना एस डॉट जो है ये एक स्केलर है, आर डैश वेक्टर है और एस डॉट क्या है, एक स्केलर है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। आर डॉट भी एक वेक्टर है, आर डैश भी एक वेक्टर है, लेकिन एस डॉट क्या है बोलो, स्केलर है। ठीक है, देखो तो आर डॉट की वैल्यू हमने यहां पर निकाली क्या, आर डैश एस डॉट, ये निकाली हमने। डॉट का मतलब रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन, टी मतलब क्या होता है, टी मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। ये सब बातें मैं बहुत बहुत बार बेटा समझा चुका हूं, इन बातों को ध्यान दीजिए। और डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एस, है ना। डॉट का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू टी, और डैश का मतलब डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, देखो अब हमें आर डबल डॉट भी चाहिए, तो इसको एक बार फिर से कर दो डिफरेंशिएशन, है ना। आर डबल डॉट का मतलब, आर डॉट का मतलब हो गया डी आर बाई डी टी, और आर डबल डॉट का मतलब क्या हो गया, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो आर डबल डॉट क्या हो गया, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर। तो देखो आर डबल डॉट, इसका फिर से हमें करना है बच्चों डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, देखो पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन, एस डॉट का एक बार और डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना, तो एस डबल डॉट हो जाएगा, एस डबल डॉट, है ना। जैसे एस डॉट का मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, एस डबल डॉट का मतलब टी के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा अब देखो दूसरा और पहले का डिफरेंशिएशन, डी आर डैश बाई डी टी और दूसरा, तो पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पर ये जो आर डैश है ना, आर डैश, ठीक है, आर डैश को ही हम टी कहते हैं। भाई टी का मतलब क्या होता है बोलो, टी का मतलब होता है बच्चों आर डैश, आर डैश का मतलब, ठीक है, आर का डिफरेंशिएशन एस के रिस्पेक्ट में, और इसी को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। ठीक है, टी का मतलब क्या होता है बच्चों, आर डैश होता है। अच्छा अब देखो टी का मतलब होता है आर डैश, तो अब अगर हम आर डैश का डिफरेंशिएशन करें टी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डी टी बाई डी टी, बस समझो। आर डैश का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, मतलब टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। अब देखो इसको अगर हम एक काम करें यहां पर,
ds से डिवाइड और ds से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समझो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt by ds into ds by dt, ठीक है। तो dt by ds का मतलब क्या हो गया t dash और ds by dt का मतलब क्या हो गया s dot। तो मतलब इस टर्म को हम यहां पर देखो ऐसे ला सकते हैं, इसको हमने ds से डिवाइड ds से मल्टीप्लाई कर दिया, ds by dt को s dot लिख दिया, dt by ds को हमने t dash लिख दिया। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया r डबल डॉट का मतलब r डैश s डबल डॉट, और देखो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू इसकी जगह क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा t डैश s डॉट, एक और है तो दो मिला के हो जाएंगे s डॉट का स्क्वायर, क्योंकि s डॉट स्केलर है ना इसलिए उसका स्क्वायर है ना, बोलो s डॉट एक स्केलर है इसलिए उसका स्क्वायर कर दिया, एस डॉट इंटू एस डॉट मतलब एस डॉट का स्क्वायर। अच्छा टी डैश का मतलब बच्चों हम जानते हैं टी डैश क्या होता है, कप्पा एन होता है, बोलो टी डैश क्या होता है, कप्पा एन होता है, टी डैश क्या होता है, कप्पा एन होता है, ठीक है। और बी डैश क्या होता है, माइनस का टाओ एन होता है, ये हम जानते हैं। एन का मतलब, एन का मतलब वही एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल, ठीक है। टाओ का मतलब टॉर्जन, कप्पा का मतलब क्या होता है बोलो कर्वेचर, ठीक है ना। तो डी आर वाई डी टी को हमने टी डैश एस डॉट लिख दिया, तो टी डैश एस डॉट मिलकर एस डॉट का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा देखो ये हमने किया इसका डबल डिफरेंशिएशन। अब देखो यहां पर बच्चों हमें क्या क्या चाहिए है, जरा ध्यान दो, ठीक है। देखो बेटा हमें यहां पर क्या क्या चाहिए है, हमें यहां पर देखो ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी चाहिए, ठीक है, हमें यहां पर देखो ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी चाहिए। तो देखो एक काम करें, पहले हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, इसका और इसका हम लोग निकालें पहले, देखो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर जरा समझो बच्चों, इसका और इसका हमें चाहिए है क्रॉस प्रोडक्ट, देखो आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, इन दोनों का हमको क्रॉस प्रोडक्ट यहां पर देखो चाहिए है। देखो क्या होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इससे होगा, तो r डैश एक्चुअली वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर और वेक्टर के बीच में आएगा, बस समझे, r डैश क्या है बोलो वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर और वेक्टर के बीच में आएगा। अच्छा एक काम करें, देखो ये हो गया s डॉट और इनटू s डबल डॉट, ये तो स्केलर है, ये भी स्केलर बाहर आ गया, इन दोनों के बीच में वेक्टर आएगा, तो r डैश क्रॉस r डबल r डैश, ठीक है, r डैश क्रॉस r डैश। और देखो दो सेम वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, जैसे अगर हम a क्रॉस a निकालेंगे तो वैल्यू जीरो आएगी, वजह होती है कि उसमें साइन थीटा आता है, a क्रॉस b में क्या आता है मॉड a मॉड b साइन थीटा n का, तो थीटा मतलब a और b के बीच का एंगल जो कि जीरो हो जाता है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा। अच्छा यहां देखो प्लस क्या हुआ, इसका इससे क्रॉस दिया और इसका इससे क्रॉस लेंगे, तो क्या होगा देखो s डॉट और s डॉट मिलके s डॉट का क्यूब हो जाएगा, और ये r डैश और हो जाएगा क्रॉस t डैश, r डैश क्रॉस t डैश, बस समझे, r डैश क्रॉस t डैश। देखो r डैश क्रॉस r डैश की वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि सेम वेक्टर के बीच का एंगल, सेम वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, तो क्या हुआ बोलो r डॉट क्रॉस r डबल डॉट, ये वैल्यू जीरो हो गई, ये क्या बच गया s डैश s डॉट क्यूब। अच्छा r डैश ही तो t होता है ना, बोलो r डैश ही तो t होता है ना, तो इसको हमने t लिख दिया, r डैश का मतलब t, बोलो r डैश का मतलब ही तो बेटा देखो t होता है ना, देखो ये r डैश का मतलब कितना होता है t, तो इसको t लिख दिया, और t डैश, और t डैश को क्या लिख सकते हैं कप्पा n, तो t r डैश का मतलब हो गया t, क्रॉस क्रॉस रहेगा,
और टी डैश क्या हो जाएगा बोलो, कप्पा एन हो जाएगा, कप्पा एन ऐसे, बस समझे। आर डैश को लिख दिया टी, आर डैश की वैल्यू टी होती है, और टी डैश क्या होता है बोलो, कप्पा एन होता है। देखो टी डैश की जगह हमने कप्पा एन लिख दिया। अब देखो टी क्रॉस एन क्या होता है, मैंने बताया था ऐसे याद रखना है कि टी, देखो बेटा ये सब पुराने वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, एन बी, ठीक है। तो टी क्रॉस एन करेंगे तो वो बी कैप हो जाएगा। तो देखो यहां से हो गया एस डॉट का क्यूब, कप्पा बाहर ले लो क्योंकि कप्पा भी एक प्रकार का स्केलर है, कप्पा भी बच्चों स्केलर होता है। टी क्रॉस एन हो जाएगा बी कैप, तो ये हो जाएगा बी कैप जो एक वेक्टर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, और टी क्रॉस एन क्या हो जाएगा बी कैप जो कि एक वेक्टर है, ठीक है। तो यहां तक देखो हम लोग पहुंचे हैं अभी। अब देखो हमें क्या चाहिए, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, देखो इसका मॉडुलस चाहिए, ठीक है। अच्छा आर डॉट का भी मॉडुलस चाहिए, उसको भी देखेंगे। तो इसका जब हम लोग मॉडुलस निकालेंगे, देखो आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का जब मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ये तो सब स्केलर है द मॉडुलस, भाई इसका मॉडुलस का फर्क नहीं पड़ने वाला, स्केलर नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका मॉडुलस उसी के बराबर होता है, हम जानते हैं अगर पॉजिटिव है तो कप्पा का मॉडुलस, ठीक है, और एस डॉट क्यूब का मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ बी कैप, सबका मॉडुलस होगा, लेकिन बी कैप एक यूनिट वेक्टर, इसका मॉडुलस वन हो जाएगा और ये टर्म ऐसे ही रहेंगे, ये टर्म देखो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये स्केलर है और स्केलर का मॉडुलस अगर वो पॉजिटिव है उसी के हमेशा बराबर होता है, बस समझे, स्केलर का मॉडुलस उसी के बराबर होता है अगर वो पॉजिटिव होता है। तो देखो ये इसकी यहां पर वैल्यू आ गई। अच्छा आर डॉट का मॉडुलस निकाल सकते हैं, देखो आर डॉट की वैल्यू क्या होगी, समझो आर डॉट का मॉडुलस निकाल सकते, निकालेंगे देखो अभी। तो यहां तक देखो बच्चों हम लोग आ गए हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो हमें ट्रिपल डॉट भी चाहिए, ट्रिपल डॉट का मतलब हो गया ट्रिपल डिफरेंशिएशन, तो ये भी करना पड़ेगा, ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। कप्पा की वैल्यू तो हम देखो निकाल सकते हैं, कप्पा तो हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हमें जिसकी जरूरत थी देखो वो आ गया, और देखो आर डॉट का क्यूब कर देते हैं। आर डॉट देखो क्या है यहां पर, समझो जरा ध्यान से, आर डॉट देखो आर डॉट क्या है, आर डॉट है ये आर डैश एस डॉट, आर डैश का मतलब ही टी होता है, टी का मतलब टी का यूनिट वेक्टर, ध्यान रखना जहां भी टी आ रहा है मतलब टी का यूनिट वेक्टर टी कैप, जहां भी बी आ रहा है मतलब बी का यूनिट वेक्टर बी कैप, और जहां भी एन आ रहा है मतलब एन का यूनिट वेक्टर एन कैप, ठीक है। ध्यान रखना टी एन बी ये तीनों यूनिट वेक्टर होते हैं। तो आर डैश को देखो हमने टी लिख दिया। अब देखो अगर हम इसका मॉडुलस लेते हैं तो इसका भी मॉडुलस और इसका भी मॉडुलस, ये तो पॉजिटिव ऐसे ही रहेगा, टी का मॉडुलस वन हो जाएगा, टी का मॉडुलस क्या हो जाएगा बोलो, वन हो जाएगा। तो देखो अब यहां से ध्यान दो, देखो ये रिजल्ट देखो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये है ना मॉडुलस ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, तो कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सब नीचे पहुंच जाएगा, और एस डॉट का मतलब क्या है, देखो इसी को हम एस डॉट लिख सकते हैं क्योंकि एस डॉट एक स्केलर है, स्केलर नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसका मॉडुलस उसी के बराबर होता है, जैसे अगर टू, टू का मतलब स्केलर, स्केलर का मतलब रियल नंबर, अगर रियल नंबर पॉजिटिव है उसका मॉड उसी के बराबर होता है, तो एस डॉट अगर पॉजिटिव है तो उसका मॉड उसी के बराबर होगा, तो एस डॉट की देखो वैल्यू ही। तो देखो यहां से कप्पा क्या हो जाएगा, यहां से कप्पा हो जाएगा मॉड ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट अपॉन एस डॉट की पावर थ्री, और एस डॉट का मतलब मॉड ऑफ आर डॉट, तो मॉड ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट और इसका मतलब मॉड ऑफ आर डॉट की पावर थ्री। देखो ये कप्पा की वैल्यू यहां पर प्रूफ हो गई, कप्पा का देखो ये पहला रिजल्ट यहां पर प्रूफ हो गया, ठीक है।
क्योंकि अच्छा मॉड ऑफ आर डॉट चूंकि एक वेक्टर है तो उसका मॉड हम नहीं हटा सकते, वेक्टर का मॉड नहीं हटा सकते। हाँ स्केलर मतलब रियल नंबर का मॉड हटा सकते हैं अगर वो पॉजिटिव है तब, स्केलर का मॉड मतलब रियल नंबर का मॉड ऑफ हटा सकते हो अगर वो पॉजिटिव हो तब। तो यहां पर देखो जैसे कि ये मॉड ऑफ एस डॉट क्या है स्केलर है, एस डॉट क्या है बोलो स्केलर है, स्केलर का मॉड ऑफ हटा सकते हो। आर डॉट क्या है वेक्टर है उसका मॉड नहीं हटा सकते, आर डैश भी एक वेक्टर है उसका मॉड ऐसे नहीं हटा सकते, ठीक है। तो देखो यहां से ये पहला रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, कप्पा वाला पहला रिजल्ट देखो हमने यहां पर प्रूव कर दिया। अब देखो टाउ के लिए हमें ट्रिपल डिफरेंशिएशन चाहिए होगा, तो ट्रिपल डिफरेंशिएशन हमें बेटा यहां पर लाना होगा, ठीक है। देखो ट्रिपल डिफरेंशिएशन डबल से ट्रिपल ले आते हैं, है ना, डबल से देखो यहां पर हम ट्रिपल ले आते हैं, समझे, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट अपने पास ये है, ये डबल से हम ट्रिपल देखो बना लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे समझो जरा ध्यान से, इसको लिखो जरा बच्चों यहां तक पहले, हाँ यहां तक आ गए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इन चीजों को देखो यहां से वो मिटा देते हैं, ठीक है। इस रिजल्ट को लिख लो यहां पर कि मॉड ऑफ आर डॉट जो है वो मॉड ऑफ आर डॉट जो है वो एस डॉट के बराबर होता है, ठीक है, ये रिजल्ट। ठीक है, और ये तो अपने पास है यहां पर, अच्छा इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस ये वन हो जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं क्योंकि यहां पर देखो इसके मॉडुलस की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, मॉड ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है कप्पा एस डॉट क्यूब, ऐसे है ना। देखो ये रिजल्ट हमने यहां पर देखो लिख लिया क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी अभी, और इसकी जरूरत भी देखो हमको यहां पर पड़ेगी। अच्छा अब देखो यहां पर इसको मिटा देते हैं, ये पहला रिजल्ट हमने यहां पर प्रूव कर दिया। देखो ठीक है, ये हो गया, इसको भी यहां से हटा दें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हो गया t डैश और s डॉट, चलो इसको भी रखते हैं। देखो ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे कि जो अपना r डबल डॉट है ना इसी को एक बार फिर से कर दें डिफरेंशिएशन, तो r ट्रिपल डॉट हो जाएगा, बोलो इसी को एक बार और कर दें डिफरेंशिएशन आर डबल डॉट तो ट्रिपल डॉट हो जाएगा। देखो इधर भी होगा डिफरेंशिएशन, क्या पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन एस ट्रिपल डॉट प्लस दूसरा एस डबल डॉट पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो आर डैश का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, जैसे एस ट्रिपल डॉट का मतलब एस का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में तीन बार, एस डबल डॉट का मतलब अच्छा इसकी देखो वैल्यू हम जानते हैं टी डैश एस डॉट देखेंगे बाद में, या पहले ही टी डैश की वैल्यू रख दी जाए, एक काम करते हैं देखो, चलो अच्छा कोई बात नहीं अलग बाद में रख देते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर पहला दूसरे का डिफरेंशिएशन एस डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, टू एस डॉट और एस डॉट को फिर से करेंगे तो एस डबल डॉट, ठीक है, s डॉट स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जैसे x स्क्वायर का 2x और जिसे x माना उसे फिर से किया, तो s डॉट का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s डॉट और s डॉट को फिर से कर दिया। अच्छा प्लस देखो दूसरा s डॉट का स्क्वायर और पहले का डिफरेंशिएशन तो d बाई डी टी ऑफ t डैश, ठीक है, ऐसा देखो यहां पर आ गया s r t पर डॉट। देखो इसको सिंप्लीफाई करें, आर ट्रिपल डॉट आर डैश को, चलो आर डैश ही आर डैश को टी रख सकते हैं,
तो टी एस डबल डॉट एस डबल डॉट, देखो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है टी डैश एस डॉट, तो इसकी वैल्यू हो गई बोलो टी डैश और एस डॉट। ठीक है, जरा डॉट ध्यान से देखना है, देखो यहां पर ट्रिपल डॉट है, ठीक है, इसकी देखो वैल्यू ये हो गई प्लस टी डैश, टी डैश की वैल्यू भी रखेंगे, टी डैश क्या होता है, टी डैश हमको मालूम है कप्पा एन होता है, तो ये हो गया टू एस डॉट एस डबल डॉट और टी डैश। और यहां पर देखो बच्चों एस डॉट का स्क्वायर और टी डैश क्या होता है कप्पा एन, उसकी वैल्यू भी हम रखेंगे। ठीक है, अब टी डैश की वैल्यू कप्पा एन रख दो हर जगह, तो टी एस ट्रिपल डॉट ये क्या हो गया एस डबल डॉट एस डॉट और टी डैश क्या है, टी डैश है देखो कप्पा एन प्लस देखो टू, अच्छा ये दोनों मिलकर थ्री हो जाएंगे, देखो ये भी एस डॉट एस डबल डॉट टी डैश, ये भी एस डॉट एस डबल डॉट टी डैश, ये टू टाइम्स है, ये वन टाइम, दोनों मिलके थ्री हो जाएंगे, तो इसको मैं थ्री टाइम कर देता हूं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये दोनों देखो सेम है एस डॉट एस डबल डॉट और टी डैश है ना, टू टाइम थ्री टाइम मिलके थ्री टाइम, और टी डैश को लिख दिया कप्पा एन। देखो ये एस डॉट का स्क्वायर, टी डैश क्या हो गया बोलो कप्पा एन हो गया, ऐसे क्या हो गया बोलो कप्पा एन हो गया। अच्छा यहां तक देखो हम लोग आ गए, बोलो टी डैश की वैल्यू क्या हो गई बोलो कप्पा एन हो गई। देखो ध्यान दो, ये आर ट्रिपल डॉट है इसकी वैल्यू, अब देखो ये टर्म चाहिए, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस किस का, मैं देखो ये जो टर्म यहां पर लिखा है ना, इसका मतलब क्या हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर ट्रिपल डॉट से। ठीक है, इसका हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है बोलो आर ट्रिपल डॉट से, इस बात को जरा बच्चों यहां पर ध्यान दो। ठीक है ना, बोलो देखो थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लें, क्या होगा देखो, देखो ये जो टर्म है ना, ये टर्म क्या है देखो, ये टर्म इसको जरा ध्यान से सिंप्लीफाई करना होगा, देखो ये टर्म इस रिजल्ट को यहां लिख दे, डी आर डैश बाई डी टी क्या है बोलो, ये है टी डैश एस डॉट इसको ना, तो इसकी जगह देखो हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं पहले, देखो ये क्या है, ये है डी बाई डी टी कप्पा एन, कप्पा तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो बचेगा डी एन बाई डी टी। अब देखो यहां पर जरा समझो बच्चों ध्यान से, डी एन बाई डी टी को लिखे डी एन बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। ठीक है, अच्छा देखो अब फेरेट सेरनेट फार्मूले से हम लोगों ने देखा था कि डी एन बाई डी एस क्या होता है, टाओ बी माइनस कप्पा टी, देखो फेरनेट सेरनेट फार्मूले से हमने डी एस बाई डी टी हो गया, इसको एस डॉट लिख दे, इसको हमने देखा था ये होता है टाओ बी माइनस कप्पा टी है ना, इसको डी एन बाई डी एस है ना, फेरेट सेरनेट फार्मूला का जो सेकेंड रिजल्ट था वो यही था कि डी एन बाई डी एस बराबर टाओ बी माइनस कप्पा टी, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, इसको याद रखो बच्चों। तो देखो इसकी वैल्यू ये आ गई यहां पर, तो देखो ये हो गया क्या यहां पर आर ट्रिपल डॉट बराबर टी एस ट्रिपल डॉट प्लस, ठीक है ये ट्रिपल डॉट है, थ्री एस डबल डॉट एस डॉट कप्पा एन प्लस हो जाएगा क्या बोलो एस डॉट का स्क्वायर, और देखो इसकी वैल्यू ही आ गई कप्पा एस डॉट ब्रैकेट में टाउ बी माइनस कप्पा टी। अब देखो बच्चों क्या है यहां पर, ये है आर डॉट आर डबल डॉट, देखो
जैसे ये जो टर्म है ना, ये क्या है, स्केलर टिपल प्रोडक्ट। इसका मतलब देखो क्या हुआ, कहीं जगह नहीं बची, हाँ यहां जगह बची, चलो इसको मिटाते हैं। देखो ये जो टर्म है ना r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट, इसका मतलब हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब r डॉट क्रॉस r डबल डॉट डॉट प्रोडक्ट r ट्रिपल डॉट, है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब यही होता है। जैसे कि मान लो अगर हम लिखें a b c, तो इसका मतलब हो गया a क्रॉस b डॉट c, या इसका मतलब एक दूसरा भी हो गया a डॉट b क्रॉस c, है ना। इसके दो मतलब होते हैं, कोई भी मतलब आप इसका लिख सकते हैं। इसका एक मतलब ये होता है और इसका एक मतलब ये भी होता है। तो हमने इसका ये मतलब निकाला। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है r ट्रिपल डॉट से। देखो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो r ट्रिपल डॉट से, तो क्या होगा समझो, इसका डॉट प्रोडक्ट r ट्रिपल डॉट से ले लो, देखो ऐसे इसका डॉट प्रोडक्ट इससे ले लिया, तो देखो क्या होगा, अब इसका डॉट इससे होगा, मैं देखो इसका डॉट प्रोडक्ट इससे ले लिया, इसका डॉट प्रोडक्ट इससे ले लिया, तो इसका डॉट इससे होगा, और बी डॉट टी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 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 बी टी और एन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बी का टी से डॉट जीरो हो जाएगा, टी का एन से डॉट जीरो हो जाएगा, बी का एन से भी डॉट जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी और टी आपस में कैसे होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो इसका इससे डॉट जीरो हो जाएगा, इसका भी इससे डॉट, क्योंकि देखो ये सब स्केलर है, जैसे कप्पा एस डॉट एस डबल डॉट, ये सब स्केलर है। यहां भी देखो कप्पा एस डॉट, ये सब स्केलर है। डॉट प्रोडक्ट किसके इसके बीच आएगा, बी कैप और एन कैप के बीच आएगा, जो फिर जीरो हो जाएगा। यहां पर भी डॉट प्रोडक्ट बी और टी के बीच आएगा, जो कि जीरो हो जाएगा। यहां भी डॉट बी और एन के बीच आएगा, जो जीरो हो जाएगा। अच्छा फिर आगे बढ़े, देखो ये क्या है, ये है देखो यहां पर समझो जरा ध्यान से, ये टाउ है, देखो ध्यान दो। अब ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक बी और टी, जो बी वाला पार्ट है उसका बी का बी से डॉट प्रोडक्ट, देखो इसका मतलब ये दो चीजें हैं ना यहां पर, इसका मतलब देखो यहां पर दो चीजें हैं, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप बी का डॉट प्रोडक्ट इस वाले से लेंगे तो बी डॉट बी, बी डॉट बी वन हो जाएगा। बी कैप डॉट बी कैप की वैल्यू क्या होगी बोलो, बी कैप डॉट बी कैप हो जाएगा मॉड बी का स्क्वायर, और ये वैल्यू वन हो जाएगी, क्योंकि ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर। ए डॉट ए क्या होता है बोलो, मॉड ए का स्क्वायर। तो समझो बच्चों ध्यान से यहां पर, कि जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट इस वाले से लोगे तो देखो क्या आएगा, एस डॉट की पावर फाइव हो जाएगा, ठीक, कप्पा का स्क्वायर हो जाएगा, बी कैप डॉट बी कैप वन हो जाएगा, हाँ एस डॉट की पावर ये थ्री और ये सिक्स हो जाएगी, ठीक है, एस डॉट की पावर सिक्स कप्पा का स्क्वायर, और ये बचेगा यहां पर टाउ, और बी कैप डॉट बी कैप वन हो जाएगा। इसके बाद जब इसका इससे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो देखो फिर बी डॉट टी और वो फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी कैप और डॉट टी कैप फिर जीरो हो जाएगा, लेकिन बी कैप डॉट बी कैप वन हो जाएगा, क्योंकि डॉट जो है ना ये वेक्टर के बीच में ही आएगा, जैसे बी और टी के बीच में आएगा, बी और एन के बीच में आएगा, एन और टी के बीच में आएगा, क्योंकि बाकी चीजें स्केलर हैं। तो जब स्केलर है, स्केलर चीजें बाहर आ जाती हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं कि 2a डॉट प्रोडक्ट 3b, तो 2 3 6 बाहर आ जाएगा, और डॉट किसके बीच में आएगा, वेक्टर के बीच में डॉट आएगा, ध्यान देना। तो चूंकि यहां पर जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या है, v कैप टी कैप एन कैप, बाकी सब स्केलर है। तो जैसे यहां पर जाओगे तो बी डॉट टी आएगा, जो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी और टी और एन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बी टी का डॉट प्रोडक्ट जीरो, बी एन का डॉट प्रोडक्ट जीरो, टी और एन का भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो बी का टी से डॉट प्रोडक्ट जीरो, बी का एन से डॉट प्रोडक्ट जीरो, यहां पर आओगे तो बी डॉट बी होगा सेम वेक्टर का डॉट, यानी कि वन हो जाएगा वो, जो हमने देखो यहां पर लिखा है, ठीक है। ये एस डॉट की पावर थ्री और ये एस डॉट की पावर थ्री, एस डॉट की पावर सिक्स हो गया, ये कप्पा का स्क्वायर हो गया और टाउ हो गया, और बी डॉट बी वन हो गया, इसके पास बी डॉट टी आएगा जो फिर जीरो हो जाएगा। तो देखो यहां तक हम आ गए, तो देखो ये हो गया टाउ की वैल्यू, यहां से क्या आ गई, टाउ की वैल्यू आ गई कि ये हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट,
और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया के स्क्वायर एस डॉट की पावर 6। ठीक है, अच्छा देखो इसका अगर मॉडुलस लोगे, समझो जरा ध्यान से, देखो इसको मिटा देते हैं यहां से, देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, देखो ये अगर इसको स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, मॉड आर क्लॉस आर डबल डॉट का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कप्पा स्क्वायर एस डॉट की पावर 6। ठीक है, देखो यही तो ये वैल्यू है जो इसके नीचे है, इसको ये लिख सकते हैं, तो क्या वैल्यू आ गई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट और डिवाइड बाई, ये क्या हो गया, ये हो गया r डॉट क्रॉस r डबल डॉट के मॉड का स्क्वायर। तो देखो यही टाउ की वैल्यू हमको प्रूव करनी थी, है ना, ऊपर तो देखो ये ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या बताया मैंने कि a क्रॉस b डॉट c का मतलब भी यही होता है और a डॉट b क्रॉस c का मतलब भी यही होता है, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब तीन वेक्टर का प्रोडक्ट लेकिन आंसर स्केलर आए। देखो बेटा वेक्टर को बहुत डिटेल से पढ़ना है तो 12 क्लास की मेरी पूरी IIT के लिए वेक्टर की अलग प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर के वेक्टर के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हो, 3D के बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हो, अच्छा होगा पढ़ लो क्योंकि ये चीज़ें आपके सामने बेटा आएंगी ही आएंगी। अगर आप MSc कर रहे हैं तो निश्चित है 11th 12th को तो आपको पढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा हर जगह और उसके बेसिक्स आपके सामने आएंगे। वैसे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे 11th 12th का तो पूछा ही जाएगा बेटा हमेशा, ठीक है ना, किसी भी कंपटीशन में बैठोगे छोटे से लेके बड़े तक तो 11th 12th का तो पूछा ही जाता है। तो देखो ये बच्चों टाओ की वैल्यू हमने यहां पर प्रूव कर दी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और नीचे ये रहा और इसका मतलब इसका स्क्वायर, बस समझ आ गया। तो बच्चों ये दो रिजल्ट हमने बहुत इंपॉर्टेंट आज प्रूव किए हैं, कप्पा के और टाओ के, क्योंकि इनका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियोज में निकालने जा रहे हैं, ये बात ध्यान दो। लेकिन बच्चों सब सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तब मजा आएगा, जैसे वीडियो आप सोचो कि अचानक ये वीडियो पढ़ें और समझ लें और निकल लें तो संभव नहीं बेटा, पुराने वीडियो आपको समझना पड़ेंगे, टी क्या होता है, एन क्या होता है, बी क्या होता है, ठीक है, आर डैश क्या होता है, ये सारे पुराने वीडियोस में मैं लगातार समझा रहा हूँ, प्लेन क्या होते हैं, ऑस्किलेटिंग प्लेन क्या होते हैं, रेक्टिफाइंग प्लेन क्या होते हैं, ये सब पुराने वीडियोस में बेटा मैं लगातार देखो यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, तो इनको पुराने वीडियोस को समझना बेटा बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो आप ये नए वीडियोस को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो खैर इसको ध्यान से पढ़ो, मैंने एक एक बात दो क्लियर करके समझाई, इसको बार बार पर रिपीट करके पढ़ो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है इसकी प्रूविंग, और ये रिजल्ट भी याद रखने हैं टाओ के और कप्पा के, इनका यूज बहुत होगा आगे चल के। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।